यदि आपके पास नया कंप्यूटर है और आप चाहते हैं कि आपके ड्राइव का आइकॉन बदल जाए या किसी भी फोल्डर का आइकॉन बदल जाए तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले ड्राइव को देख लेते हैं। ड्राइव में आइकॉन बदलने के लिए आपके पास आइकॉन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज में जाएंगे और कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर चूज अ फाइल में क्लिक करेंगे और पिक्चर इमेजेस होने चाहिए कोई भी क्वालिटी का। तो इमेजेस जैसे कि मेरे इस फोल्डर में है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, मान लीजिए ये इमेज को ओपन कर देंगे और फिर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पिक्चर सेट तो होना चाहिए लेकिन सेट नहीं हो रहा है। इसको शायद लार्ज आइकॉन में देखेंगे, सॉरी, तो भी इसमें पिक्चर सेट नहीं हो पा रही है तो ये तो अपन नहीं कर सकते। तो वापस इसको रिस्टोर कर देते हैं। या तो फोल्डर आइकॉन लिखा है बट काम नहीं कर रहा है, क्या वजह हो गई। हम इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यदि आप फोल्डर का आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑडियो फोल्डर बनाया हो तो ऑडियो, जैसे मैं नया फोल्डर बना देता हूँ, कोई भी नया फोल्डर को लिख देता हूँ फाइल्स, तो फाइल्स नाम की फोल्डर बन गई है। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो इसका आइकन बदलना है तो आइकन बदलने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और फिर कस्टमाइज में जाएंगे और फिर यहाँ पे चेंज आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिए गए आइकॉन में से किसी भी आइकॉन को अपन सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। जैसे फाइल्स है तो फाइल्स के अकॉर्डिंग कोई भी होना चाहिए, तो फाइल्स आइकॉन मान लीजिए इसको सेट कर देते हैं। अब इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देख सकते हो फाइल्स का आइकॉन बन गया। तो बस इस तरह से अपन फोल्डर का आइकॉन बदल सकते हैं। बस इतने वीडियो था, धन्यवाद।